हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल पेंशनर्स। सभी पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे जो अभी आ रहा है। इसमें देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस, जो कि बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि जो पेंशनर्स की जो इशूज़ हैं, जो पेंशनर्स के साथ जो भी लेटेस्ट इशूज़ आ रहे हैं, हाउ टू रिजॉल्व देम, कैसे उन इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट अपडेट की। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब बटन को ज़रूर चेक कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। नाउ द अपडेट इज रिगार्डिंग द फ्रॉड्स दैट आर बीइंग डन विथ द पेंशनर्स, जो कि पेंशनर्स हैं, जो जिनको ज़्यादा टेक्निकल के बारे में नहीं पता है। जो आजकल सारा कुछ जो है टेक्निकल हो रहा है, एवरीथिंग इज़ टेक्निकल। सो द पेंशनर्स हु डोंट नो अबाउट दीज टेक्निकल थिंग्स, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, जिनको ये टेक्निकल चीज़ें नहीं पता। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप दीज थिंग्स, ईपीएफओ हैज़ टेकन सम स्टेप्स। इनको स्टॉप करने के लिए अब ईपीएफओ ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप व्हाट आर दीज स्टेप्स, और मैं आपको प्रॉपर ऑर्डर भी दिखाऊंगा। आई विल शो यू द ऑर्डर सो दैट यू कैन चेक। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। बेसिक स्टेप क्या है कि फर्स्ट इज़ द रोटेशन पॉलिसी। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है रोटेशन पॉलिसी। अगर आप इम्प्लॉयज़ को रोटेट करते रहोगे 3 ईयर्स के अंदर अंदर, तो चांसेस ऑफ फ्रॉड विल बी लेस। इसीलिए द फर्स्ट स्टेप दैट दे हैव टेकन, जो पहला स्टेप उन्होंने उठाया वो ये है कि रोटेशन पॉलिसी ऑफ स्टाफ मे बी फॉलोड और द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स मे बी फॉलोड। जितने भी रीजनल ऑफिस हैं उसमें 3 साल के बाद से रोटेट कर देना चाहिए, सो दैट बिकॉज दे नो द रिकॉर्ड्स और बाकी सब चीज़ जानते हैं। सो देर आर चांसेस ऑफ फ्रॉड, तो उस केस में जो है फ्रॉड हो सकता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है। आप देख सकते हैं ऑल द पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्रॉड। जो फ्रॉड को स्टॉप करने के लिए सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ टू स्टॉप द फ्रॉड, फ्रॉड को स्टॉप करने के लिए और क्या है, जो ईपीएफओ ने स्टेप्स उठाए हैं, जितने भी मंथली, ऑल मंथली, वीकली पेंशन पेमेंट्स टू बी वैलिडेटेड फ्रॉम सिस्टम। जो सिस्टम का मास्टर रिकॉर्ड होता है, जो भी पेंशन देनी है, फर्स्ट इट मस्ट बी वैलिडेटेड, उसको वैलिडेट करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि कोई भी जो है फ्रॉड के चांसेस इट विल बी वेरी लेस। और इसके बाद से अपार्ट फ्रॉम द अबव एक्शन, द ऑफिसर इन चार्ज कंसर्न शुड बी अडॉप्ट ऑल अदर मेजर्स। और उसके बाद से एट लास्ट जो है, जो ऑफिसर्स हैं जो कि पेंशन को डिस्पर्स करता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर। मतलब 3-4 लेवल पे स्क्रूटनाइज किया जाएगा, सो दैट देर इज़ नो इशू, नो फ्रॉड फॉर एनी सीनियर सिटीज़न। किसी भी सीनियर सिटीज़न को पेंशन मिलने में कोई भी फ्रॉड ना हो। तो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय ईपीएफओ। ईपीएफओ ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, जिससे कि जो फ्रॉड वाले केसेस आ रहे हैं दे आर इंक्रीजिंग, सो इट विल स्टॉप देम बाय रोटेटिंग द ऑफिसर। जो भी इंचार्ज है उसको रोटेट करो 3 साल के अंदर किसी और ऑफिस में। जो भी मंथली वीकली डिस्पर्समेंट होता है दैट मस्ट बी चेक प्रॉपरली। और उसके बाद से क्या है कि द ऑफिसर इंचार्ज ही मस्ट टेक केयर, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है वो इन चीज़ों की केयर करें। तो आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।